हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं इसे। हम 6 पार्टों में लाएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन रहेंगे कंप्यूटर से संबंधित, और जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। लगभग लगभग इससे कंप्यूटर का अपना पूरा पार्ट, एक पार्ट तैयार हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है DNS एक है, तो इसमें सी ऑप्शन है सही है, हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम। दूसरा है हमारा टेलनेट सेवा के द्वारा हम चाहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, रिमोट प्रोग्राम। तीसरा है वर्तमान में आईपी एड्रेस होता है, तो ए ऑप्शन सही है, बाइट 4 बाइट का। चौथा है इंटरनेट स्विचिंग काम में लेता है, तो ए ऑप्शन सही है, पैकेट। पांचवा है हमारा HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने हेतु टैग का काम करता है, तो एक सही है, ए ऑप्शन सही है, ए। छठवा है एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो डी ऑप्शन सही है, 192.168.24.43। सातवा है वेब को एक्सेस करने हेतु प्रोग्राम आवश्यक होता है, तो ए ऑप्शन सही है, ब्राउजर। आठवां क्वेश्चन है जब इंटरनेट डाटा आपका कंपोज छोड़ता है, तो यह सामान्यतः अपने गंतव्य स्थान पर जाने से पहले जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट पर। नौवां है amazon.com निम्न मॉडल का प्रकार है, तो बी ऑप्शन सही है, B2C। दसवां है PPPP का पूरा रूप है, तो बी ऑप्शन है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। 11वां है इंटरनेट एड्रेस के द्वारा किया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, NIC। 12वां है WWW के आविष्कारक हैं, तो सी ऑप्शन, टिम बर्नर्स-ली। 13वां है हमारा वेब डिजाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, HTML। 14वां है अपना निम्नलिखित में से एक वेब ब्राउजर है, तो ए ऑप्शन सही है, नेट स्केप। 15वां है डॉट नेट किस कंपनी का उत्पाद है, तो सी ऑप्शन सही है, माइक्रोसॉफ्ट। 16वां है वेब मानक कौन बनाता है, तो बी ऑप्शन सही है, द वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। 17वां है इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना का मुख्य उद्देश्य है, तो बी ऑप्शन सही है, इसमें फायरवॉल। 18वां है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट पेज वेब पेज और उसके वेब पर कंप्यूटर की पहचान करता है, तो डी ऑप्शन से है, डोमेन नेम। 19 है ईमेल पतों को चिन्ह यूजर के नाम को ISP से अलग करता है, तो बी ऑप्शन सही है, एट द रेट। 20वां है टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो सी ऑप्शन सही है, POP। ठीक है, 21 है हमारा एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है, लिस्ट सर्व। 22 है अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यता के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, स्पैम के नाम से जाना। 23 है एक न्यूज ग्रुप का एक संदेश के साथ उत्तरों को अक्सर कहा जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, थ्रेड। 24 है इंटरनेट प्रारंभिक तौर पर इस सरकारी एजेंसी की परियोजना थी, तो ए ऑप्शन सही है, अर्पा। 25 है प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है, तो सी ऑप्शन है, HTTP। 26 है एक वेब संसाधन का उपयोग करने के लिए एक पूर्ण URL के पहले भाग को कहा जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, प्रोटोकॉल। 27 है हमारा अगला ई व्यापार बुनियादी ढांचा को संदर्भित करता है, तो इसमें सही है, उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन सही है, ई ई व्यापार नेटवर्किंग, ई व्यापार एप्लीकेशंस और सी ई व्यापार क्लाइंट सर्वर वातावरण, डी ऑप्शन सही है।
28 है हमारा, इंटरनेट है 28, तो डी ऑप्शन सही है। कंप्यूटरों का एक विश्वव्यापी परस्पर नेटवर्क जो कि आपस में संवाद करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल उपयोग करता है। 29 है इंटरनेट के लिए की आवश्यकता होती है, तो 29 है सी, कंप्यूटर के बीच संवाद के लिए सामान्य रूप से सहमत नियमों की सेट। 30 है हमारा आई पी पता इस समय है, तो ए ऑप्शन है 4 बाइट लंबा, ए ऑप्शन सही है। 31 है, 31 है कंप्यूटर अपराध और पुराने कंप्यूटर और अपराधों के नए तरीकों में वृद्धि के क्या कारण है, तो ए ऑप्शन सही है, कंप्यूटर और इंटरनेट तथा उसकी सेवाओं का विस्तार के उपयोग में वृद्धि। चलिए हमारा अगला 32 है ई वाणिज्य, जिसमें उपभोक्ता द्वारा शुरू की गई और व्यापारों का को लक्षित की गई व्यवसायिक गतिविधि शामिल है, तो डी ऑप्शन सही है, व्यापार से उपभोक्ता B2C। 33 है हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंड विड्थ की आवश्यकता होती है, तो बी ऑप्शन सही है 256 KBPS। 36, 34 है हमारा मॉडेम का मतलब होता है, तो सी ऑप्शन सही है मॉड्यूलेटर डिमाडुलेटर। 35 है अपने नेट उपयोग की गति को द्वारा परिभाषित किया जाता है, डी ऑप्शन सही है KBPS। 36 है हमारा हाल में ही खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज जगह को क्या कहते हैं, तो ए ऑप्शन सही है कैश। 37 है इलेक्ट्रॉनिक नगद भुगतान में, बी ऑप्शन सही है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक नकद भुगतान में एक उपभोक्ता कई इलेक्ट्रॉनिक सिक्के खरीदता है जो कि सिक्के जारी करने वाले बैंक द्वारा डिजिटल तरीके से हस्ताक्षरित होते हैं, बी ऑप्शन सही है। 38 है हमारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल के लिए उपयोग होती है, तो ए ऑप्शन सही, क्रेडिट कार्ड भुगतान। 39 है हमारा EFT का क्या मतलब होता है, तो बी ऑप्शन सही है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 40 है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने का सही क्रम क्या है, तो बी ऑप्शन सही है स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स इंटरनेट एक्सप्लोरर। 41 है हमारा एक मल्टीमीडिया वेबसाइट पर एनालॉग विंडो वीडियो का प्रयोग करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो बी ऑप्शन सही है वीडियो कैप्चर कार्ड की। 42 है हमारा अगला हाइपरलिंक, सी ऑप्शन सही, ग्राफिक्स या टेक्स्ट में से किसी एक का प्रयोग कर सकता है। 43 है वेब पेज पर एक वाइट स्पेस है, तो सी ऑप्शन सही है, पेज को पढ़ने और प्रयोग करने में आसान बनाता है। 44 है हमारा एक वेब डिजाइन टीम शॉर्ट बोर्ड को किस लिए प्रयोग करेगी, तो ए ऑप्शन सही है, वेबसाइट को प्लान करने के लिए। 45 है अगर आप सीधे वेब पेज पर जाते हैं जो कि वेबसाइट के लिए होम पेज नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है, इसमें आप होम पेज को प्राप्त कर सकते हैं ब्राउजर एड्रेस एरिया में डोमेन नेम की दाई दिशा में सभी कैरेक्टर्स को मिटाकर और फिर एंटर दबाकर। 46 है हमारा, 46 है कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है टोपोलॉजी। 47 है इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, तो बी ऑप्शन है वैन। 48 किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है, तो स्टार, सी ऑप्शन सही है। 49 है निम्नलिखित में से पी फिक्स एक्सप्रेशन का मान निर्णय करें, तो बी ऑप्शन है प्लस प्लस 26 प्लस माइनस 13 24, तो बी ऑप्शन 15 इसमें। 50 है WWW को होता है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें वर्ल्ड वाइड वाइड वेब। 51 है आउटलुक एक्सप्रेस है, तो ए ऑप्शन सही है ईमेल क्लाइंट। 52 है किस तरह की फाइल फ्लैश आर्ट ब्राउजर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन सही है AVI। 53 है FDDI है, तो ए ऑप्शन सही है रिंग नेटवर्क।
चंगुन है, यदि 32 सेगमेंट प्रत्येक का आकार 1 किलोबाइट है तो लॉजिकल एड्रेस होगा, तो डी ऑप्शन है 16 बिट्स। 55 है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटर चेंज आवश्यक है, तो सी ऑप्शन B2B ई कॉमर्स। 56 है फायर वेल को निम्न में से किसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है जा सकता है, तो सी ऑप्शन है महंगे मॉडेम में, सी ऑप्शन सही है। 57 है टेक्स्ट के इनक्रिप्शन से आशा है, तो सी ऑप्शन स्क्रैम्बलिंग इनटू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। 58 है सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होता है, तो ए ऑप्शन व्हाट बस टोपोलॉजी, ए ऑप्शन सही है। 59 है डाटा लिंक लेवल पर एरर डिटेक्शन निम्न में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, साइकल क्लिक रिडंडेंसी कोड्स के द्वारा। 60 है बाउड का मतलब होता है, तो बी ऑप्शन से इकाई समय में प्रसारित बाइट्स की संख्या। 61 है हमारा सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट और स्टॉप बिट्स का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है, तो सी ऑप्शन है सेंचुरोनिकेशन। 62 है एक 2400 BPS की लाइन पर कितने कैरेक्टर्स प्रति सेकंड की दर से ट्रांसमिट किए जा सकते हैं, तो 7 बिट्स प्लस 1 पार्टी यदि ट्रांसफर सेंचुरोनाउस हो तो 1 स्टार था 1 स्टॉप बिट होती है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें 240। 63 है ईथरनेट CSMA ऑब्लिक CD में कॉलिजन हैंडलिंग के लिए मीडिया एक्सेस मैनेजमेंट द्वारा ट्रांसमिटेड स्पेशल बिट सीक्वेंस को कहते हैं, तो सी ऑप्शन है जाम। 64 है नेटवर्क रूटिंग का वह तरीका जिसमें ट्रांसमिटिंग एवं रिसीविंग DTE के बीच के हर संभव पथ का उपयोग होता है, तो कहलाती है डी ऑप्शन मैसेज स्विच, डी ऑप्शन सही है। 65 है निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड RS-232C सिग्नल नहीं है, तो सी ऑप्शन है DSR नहीं है। 66 है निम्न में से कौन सा ISO लेवल फिजिकल कॉम कम्युनिकेशन फैसिलिटी से जनित नज़दीकी संबंध रखता है, तो डी ऑप्शन है डाटा लिंक। 67 है हमारा ऑब्जेक्ट ब्राउजर, तो इसमें ऑप्शन है डी सही, ऑब्जेक्ट लेबिलिटीज तथा उनके डाटा और कोड के साथ संबंध को दिखाता। 68 है हमारा मल्टीमीडिया क्या है, तो ये ऑप्शन सही है, मल्टीमीडिया टेक्स्ट और ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन है। 69 है मल्टीमीडिया कौन से 3 मुख्य क्षेत्र में उपयोग होता है, तो ए बी ऑप्शन सही है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। 70 है सबसे बड़ा ऑडियो फाइल फॉर्मेट कौन सा है, तो सी ऑप्शन है MP3। एनिमेशन क्या है 71वां, तो बी ऑप्शन इसमें सही है, ऑब्जेक्ट का अपारेंट मूवमेंट। 72 है एनिमेशन के 2 प्रकार कौन से हैं, तो बी ऑप्शन सही है इसमें 2D 3D। 73 है कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट एनिमेटेड हो सकता है, तो ए ऑप्शन सही है GPG। 54 है हमारा लैन 74 है सॉरी 74 है लैन में कौन सी चीज उपयोग में नहीं आती है, तो सी ऑप्शन पेंटर नहीं आता है, बाकी तीनों आते हैं। 75 है बिल गेट्स किस कंपनी से जुड़े, तो माइक्रोसॉफ्ट से। 76 है हमारा इनमें से कौन सा ईमेल पता नहीं है, पता सही है, तो डी ऑप्शन ram@yahoo.com इन। 77 है इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो डी ऑप्शन है इसमें BSNL नहीं है। 78 है किस कार्यालय में कार्यरत कई कंप्यूटर को जोड़ने की क्या विधि है, तो ए ऑप्शन लैन। 79 है कॉपिंग ए फाइल टू योर कंप्यूटर फ्रॉम अनादर कंप्यूटर ओवर द फोन यूजिंग ए मॉडेम, तो इसमें ए ऑप्शन डुप्लीकेटिंग। 80 है व्हाट डच
लैन स्टैंडर्ड फोर्ड, तो डी ऑप्शन सही है इसमें, लोकल एरिया नेटवर्क। 81 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ नेटवर्किंग, तो बी ऑप्शन है वैन नहीं है, ये नेटवर्क के हिस्से हैं, लैन है, मैन भी, बैन WAN है, ए बी नहीं है। 82 है सुरक्षात्मक अवरोध जो प्राइवेट नेटवर्क एवं इंटरनेट के बीच होते हैं कहलाते हैं, बी ऑप्शन सही है, फायरवॉल्स। 83 हमारा ग्रुप वेयर है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, कम्युनिकेशन टूल। 84 है इनमें से कौन सा ईमेल के लिए सही है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, यह एक सिस्टम है जो किसी व्यक्ति को समूह में से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संप्रेषण करने की अनुमति देता है। 85 है हमारा, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो ए ऑप्शन है इसमें, विंडोज एक्स प्लूर नहीं है, बाकी है, ओपेरा भी है, गूगल क्रोम भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है। 86 है इनमें से कौन सा आउटलुक मेनू का शॉर्ट कट नहीं है, तो मैसेज नहीं है, सी ऑप्शन है। 87 है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, तो डी ऑप्शन सही है, प्रोसेस को कार्यकलाप सिंक्रोनाइज करने के लिए अलाउ करना। 88 है हमारा यूजर फ्रेंडली निकाय है, तो डी ऑप्शन सही है, पूर्णतः कॉमन हो रहा है। 89 है 22/IP, 22/इंटरनेट प्रोटोकॉल, वाई प्रौद्योगिकी 22 कॉल को किसमें परिवर्तित करता है, तो बी ऑप्शन सही है, डिजिटल से एनालॉग। 90 नॉन प्रॉफिटेबल संस्थान के लिए कौन सा डोमेन उपयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन सही है, .org। 91 है HTTP का पूर्ण फॉल फॉर्म है, तो बी ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 92 है IRC का मतलब है, तो बी ऑप्शन सही है, इंटरनेट रिले चैट। 93 है निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है, तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी हैं, DIAS है, SLIP है, PPP है। 94 है डेडिकेटेड कंप्यूटर का मतलब है, तो सी ऑप्शन है, एक और केवल एक कार्य दिया जाता है। 95 है हमारा IBM PC-80 में 80 का पूर्ण रूप क्या होता है होगा, तो बी ऑप्शन सही है, एडवांस टेक्नोलॉजी। 96 पाए MS पावर पॉइंट के किस मेन्यू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो ए ऑप्शन सही है, न्यू स्लाइड। 97 पाए इनमें से कौन सा ऑफिस ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट फ्लिप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो डी ऑप्शन कॉम्पैक्ट नहीं है। 98 वा है हमारा ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में कौन सा बटन स्लाइड शो प्रारंभ करने हेतु इस्तेमाल किया जाता है, तो बी ऑप्शन FM। 99 ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन के किस कैप्शन में हाइड स्लाइड पाया जाता है, सी ऑप्शन स्लाइड शो। 100 है ओपन ओपन ऑफिस के फॉर्मेट कैप्शन में इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है, तो बी ऑप्शन स्लाइड नहीं पाया जाता है। 101 है ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन के किस कैप्शन में फ्लोइंग फ्रेम ऑप्शन पाया जाता है, तो सी ऑप्शन इंसर्ट। अब 2 है 102 ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में निम्न में से कौन से ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन डेटा। 103 है किस कैप्शन में ओपन ऑफिस का वर्जन पाया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, हेल्प। 104 है ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन में आर्थर्स नेम डालने का सही क्रम क्या है, तो सी ऑप्शन सही है, इंसर्ट फील्ड्स आर्थर। 105 है MS वर्ड के किस ऑप्शन में थ्रेसर रस ऑप्शन होता है, तो बी ऑप्शन रिव्यू। 106 है AI की कोई कोर भाषा है, तो ए ऑप्शन लिस्प। 107 है प्रोग्रामिंग भाषा में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट में प्रारंभ हुआ है, तो बी ऑप्शन 3GL। 108 है एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है इसमें, पोस्ट स्क्रिप्ट।
109 निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सही क्रम क्या है? तो ये ऑप्शन एडिट फाइंड रिप्लेस। 110 है निम्नलिखित में से कौन सा पेज लेआउट कैप्शन का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है इसमें, टेबल। 111 है निम्नलिखित में से कौन सा पेज नंबर ऑप्शन पाने का सही क्रम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आधार पर? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, इंसर्ट पेज नंबर। 12 है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चित्र डाउन डालने का सही क्रम है? तो बी ऑप्शन सही है, इंसर्ट पिक्चर सेलेक्ट इंसर्ट। 13 है 100 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चार्ट कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन में। 114 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई फाइल बनाने का सही क्रम है? तो बी ऑप्शन सही है, फाइल नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट क्रिएट। 115 है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस फाइल के अवयवों को कॉपी करने का शॉर्टकट बटन क्या है? तो डी ऑप्शन सही, Ctrl+C। 116 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शब्दों को बोल्ड करने का तरीका क्या है? तो ये ऑप्शन सही है, शब्दों को चुने बोल्ड बटन दबाने। 17 है 100 117 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सा क्रम उचित है? तो डी ऑप्शन सही है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट फिर फॉन्ट। 118 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से मिलता है? तो ए ऑप्शन सही है, होम। सी ऑप्शन सही है, इंसर्ट कैप्शन। 119 है स्वतः हेडर एवं फुटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन कौन से हैं? तो सी सही है, सेंटीमीटर सीएम। 20 पाए ओपन ओपन ऑफिस में फॉर्मेट कैप्शन में निम्न में से कौन नहीं होता है? तो डी ऑप्शन फार्मूला। 121 है हमारा सेलेक्ट का शॉर्टकट बटन ओपन ऑफिस में क्या है? तो बी ऑप्शन सही है, Ctrl+A। 122 है किस फाइल की पेन ड्राइव में भेजने के लिए ओपन ऑफिस में निम्न में से क्या करते हैं? तो बी ऑप्शन है फाइल सेव एक्स एस पेन ड्राइव फाइल नेम सेव। 23 है ओपन ओपन ऑफिस में अपडेट किस कैप्शन में होता है? तो सी ऑप्शन टूल में। 124 है ओपन ऑफिस में टेबल इंसर्ट करने का शॉर्टकट बटन क्या है? तो ए ऑप्शन है Ctrl+F12। 125 है ओपन ऑफिस में टोंगा है? तो डी ऑप्शन फ्रंट। 126 है ओपन ऑफिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किस शब्द का स्वाभाविक रंग क्या है? तो बी ऑप्शन है ब्लैक। 27 है 100 Ctrl+X ओपन ऑफिस वर्कशीट में किसका शॉर्टकट बटन है? तो डी ऑप्शन है कट। 128 है एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को रन टाइम पर गतिशील रूप से बनाने व प्रदर्शित करने की आज्ञा हेतु आपको एक फॉर्म कैसे डिजाइन करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है जो डी ऑप्शन सही है, लोड 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 स्टेटमेंट का प्रयोग करते हुए कंट्रोल बनाएं प्लस कंट्रोल को मूव मेथड के प्रयोग से पोजीशन करें व कंट्रोल को विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू सेट करें। 129 है हमारा जो अब विंडोज के विभिन्न एप्लीकेशंस में किस टेक्स्ट को बदलने हेतु हम किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं? तो डी ऑप्शन है Ctrl+H। 130 है एमएस ऑफिस में किस मेनू का प्रयोग पेज साइज बदलने हेतु किया जाता है? तो डी ऑप्शन है डाटा। 131 है निम्न में से किस कंपनी ने ऐप एमएस ऑफिस 2000 को विकसित किया था? तो ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट। 132 है निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो सी ऑप्शन है इमेज एडिटर। 133 है एमएस वर्ड में नए पैराग्राफ को प्रारंभ करने हेतु तो कौन सी की दबाई जाएगी? तो बी ऑप्शन सही है, एंटर की। 134 है फ्रंट्स एवं उसके आकार को परिवर्तित करने हेतु कौन से टूल बार का उपयोग होता है? तो बी ऑप्शन सही है इसमें,
135 से किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है? तो डी ऑप्शन अनेकों बार। 136 से कौन सा प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का समूह नहीं है? तो बी ऑप्शन स्मार्ट सूट। 37 है, यदि कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्कुल रुक जाए तो वापस विंडो में आने के लिए कौन सी की दबानी चाहिए? तो इसमें है बी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। 138 है, वर्ड प्रोग्राम में सेलेक्ट ऑल निर्देश किस मद में आता है? तो बी ऑप्शन एडिट में। 39 है, वर्ड प्रोग्राम में स्पेलिंग चेक करने के लिए स्क्रीन पर बने चिन्ह पर क्या लिखा रहता है? सी ए बी सी, सी ऑप्शन सही है। 140 है, फोर मेकिंग टेस्ट इन इन इटैलिक्स द कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड इज? तो कंट्रोल प्लस आई, सी ऑप्शन सही है। 141 है, ए हॉरिजॉन्टल बार ऑन द टॉप ऑफ द विंडो विच टेल्स यू द नेम ऑफ द एप्लीकेशन इन विच यू आर वर्किंग इज? तो इसमें बी ऑप्शन स्क्रॉल बार। चलिए अब 42 देख लेते हैं, वर्ड फाइल के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है? तो बी ऑप्शन ए बी डॉट डॉट डी ओ सी। 143 है, वर्ड फाइल की सेव करने का सही विधि है? तो ए ऑप्शन फाइल सेव ए बी डॉट डी ओ सी। अब हम आते हैं 144 पे, तो किसी फाइल का फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही चुनाव है? तो बी ऑप्शन रीनेम। 145 है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराने की सही प्रक्रिया है? तो डॉक्यूमेंट खोलें, ए ऑप्शन सही है, डॉक्यूमेंट खोलें, फाइल प्रिंट पर जाएं। 146 है, वर्ड फाइल में टेबल डालने के लिए सही विधि है? तो ए ऑप्शन सही है, इंसर्ट टेबल सेलेक्ट रो एंड कॉलम। 147 है, एम एस ऑफिस का हिस्सा नहीं है? तो सी ऑप्शन सही है, फोटोशॉप। 148 है, एम एस वर्ड का पूर्ण रूप है? तो ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 149 है, डॉक्यूमेंट सेव करना तो कंट्रोल प्लस एस सी, ए सही है। 150 में, स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करना तो F7, ए सही है। अब आते हैं हम 51 पर, 151 उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो बी ऑप्शन मशीन लैंग्वेज। अब 152 है, पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा है? ए ऑप्शन सही है। 153 है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो डी ऑप्शन सही है, IBM। बेसिक भी है, कोबोल है, फोरटेन भी है भाषा है, IBM नहीं है। 154 है, फोर टोन भाषा उपयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन गणित में। 155 है, प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो बी ऑप्शन सही है, फोरटोन। 156 है अपना, किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो सी ऑप्शन फ्लोचार्ट। अब आते हैं हम 157, प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है? तो बी ऑप्शन फोरटेन। 158 है, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सी ऑप्शन बच्चों की शिक्षा में। 159 है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो सी ऑप्शन है, फोरटेन। 160 है अपना, कंप्यूटर भाषा फोरटेन किस क्षेत्र में उपयोगी होती है? तो सी ऑप्शन विज्ञान में। 161 है, बेसिक भाषा का उपयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन है, सरल भाषा को सिखाने में, सरल भाषा को। 162 है, कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन व्यवसाय में। कंप्यूटर 63 है, 163 कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ए ऑप्शन व्यवसायिक कार्य के लिए। 164 है, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्यिक कार्य में किया जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, कोबोल। 165 है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? तो सी ऑप्शन दोनों, कंपाइलर इंटरप्रेटर। 166 है, असेंबलर का कार्य है? तो सी ऑप्शन है, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। 167 है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? तो सी ऑप्शन कोबोल। 168 है हमारा, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन
मेंटेशन संभवत बियोसन कोबोल कोबोल 169 में इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो सी ऑप्शन फोरट्रॉन। 117 भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है, तो बी ऑप्शन मशीन भाषा। 171 फोरट्रॉन एल गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन बेसिक। 172 है हमारा जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही फोरट्रान टेन। 173 है फोरट्रान एल गोल पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है, तो बी ऑप्शन बेसिक, पहले भी देख चुके हैं हम लोग बेसिक। 174 है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो ए जावा। 175 है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, तो बी ऑप्शन डी सही है, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। 76 है भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है, बी मशीनी भाषा। 170 है प्रोलोग भाषा विकसित हुई, तो ए ऑप्शन है 1972 में। 178 वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण है, तो बी ऑप्शन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। 179 है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो सी ऑप्शन है सन माइक्रो सिस्टम। 180 है अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है, तो ए ऑप्शन अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश। 181 है वे शब्द वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज से ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं, बी ऑप्शन सही है रिजर्व वर्ड्स। चलिए 82 यहाँ देख लेते हैं, सी 82 है सी बेसिक कोबोल और को जावा उदाहरण है, तो डी ऑप्शन सही है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज के। 183 है सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो सी ऑप्शन सही है मशीनी भाषा। 184 है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो सी ऑप्शन सही है जावा। 185 है हमारे निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो ए ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज। 186 है असेंबली लैंग्वेज है, तो सी ऑप्शन सही है लो लेवल लैंग्वेज। 187 अपना मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है, तो बी ऑप्शन सही है जावा। 188 है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो डी ऑप्शन सही है वेब सर्वर। 189 किस कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रया कौन सी होती है, तो बी ऑप्शन सही है लोगो। 190 सी बेसिक कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, तो डी ऑप्शन है हाई लेवल। 191 किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो ई ऑप्शन मशीन लैंग्वेज को। 192 बाय कौन सा लैंग्वेज हार्ड लेवल नहीं है, तो डी ऑप्शन है इसमें असेंबली लैंग्वेज। 193 है नियमों के उस सेट को कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करता है, तो ई ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ई ऑप्शन सही है। अब हम बताते हैं आप लोगों को असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो सी ऑप्शन सही है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 195 मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, तो ए ऑप्शन है न्यूमेरिक कोड में। 196 बाय हमारा क्यूरी लैंग्वेज जनरेशन में आता है, तो बी ऑप्शन से चतुर्थ है अपना। अब 197 वा देखना है सी भाषा में रिलेशन ऑपरेटर की संख्या क्या है, तो सी ऑप्शन सही है 6। 198 सी प्रोग्राम की मदद से मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है एक कंपाइलर। 199 सी वेरिएबल नाम में क्या शामिल नहीं करते हैं कर सकते, तो इसमें है ए ब्लैक ब्लैंक स्पेस, ए ऑप्शन सही है। 200 क्वेश्चन है एक एरे के पहले एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस को कहा जाता है, तो डी ऑप्शन बेस एड्रेस।
101वां हमारा, 201वां, एक फंक्शन का खुद को कॉल करना कहलाता है, तो ए रिकर्सन, ए ऑप्शन सही है। 102वां है, निम्न में से कौन सा केस कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में मौजूद नहीं है, तो डी ऑप्शन नल केस नहीं है। 103वां है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर होमोजीनियस डेटा को स्टोर करता है, तो ये ऑप्शन सही है, एरे। 104 है हमारा, शब्द प्रोफ पोस पॉप से संबंधित है, तो स्टैक से संबंधित, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। एक अब है हमारा 205, एक्स एस क्यू एल का पूरा रूप है, तो सी ऑप्शन स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। 206 है, निम्नलिखित में से कौन सी सी में एक ब्रांचिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो हाई एल, सी ऑप्शन सही है। 207 है, सी भाषा के द्वारा विकसित की गई थी, तो डेनिस रिची के द्वारा। चलिए दोस्तों, हमने इसमें 207 क्वेश्चन देख लिए कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 208 से आगे के क्वेश्चनों की बात।